दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश बोरसे आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अवश्य कीजिए और हमारी बाकी मज़ेदार वीडियोस का आनंद लीजिए। आज आपके सामने एक ऐसी स्टोरी पेश करने जा रहा हूं जो आपने ना कभी सुनी होगी ना देखी होगी। दोस्तों, तरक्की की भूख सबको होती है, लेकिन उसके चक्कर में इंसान अपने हाथ में जो होता है वो भी खो देता है। बहुत पुरानी बात है, एक गांव के पास नदी बहती थी। नदी में पानी अच्छा रहता था, गांव छोटा सा था। उस गांव में राम सिंह नाम का आदमी रहता था। उसका छोटा सा घर था और राम सिंह के पास एक गाय थी। गाय रोज दूध देती, वह बेचकर उसका गुजारा अच्छे से हो रहा था। उसका जीवन ऐसे ही चल रहा था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि ऐसे कब तक चलेगा, मेरे पास तो एक ही गाय है, उसका दूध निकालता हूँ बेचता हूँ, लेकिन अगर इसका दूध देना बंद हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा। बाद में ये कुछ काम की नहीं रहेगी, इसे ही खिलाना पड़ेगा। सोचते सोचते राम सिंह इस नतीजे पे पहुँचा कि इसे अभी बेच देते हैं, इसके अच्छे पैसे आएंगे, बाद में कोई खरीदेगा नहीं। लेकिन इसे बेचकर क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे जिंदगी भर आमदनी आती रहे। राम सिंह अपने विचार से खुश था। वह बाजार के दिन का इंतजार करने लगा। जो लोग उसे पहचानते थे वो पूछने लगे कि भाई आजकल दूध देने क्यों नहीं आते। वो सबको पता था कि अब मुझे बड़ा आदमी बनना है, ये छोटा मोटा काम मैं नहीं करूँगा, और उसका प्लानिंग लोगों को दोस्तों को बताता गया। कुछ तारीफ करते गए, कुछ हंसते गए, कुछ मजाक उड़ाते गए। उसका एक दोस्त था, गहरा दोस्त, वीर सिंह। उसे ये बात पता चली तो उसने राम सिंह को समझाया, जो तेरे हाथ में है उसे संभाल कर रखना और उससे आगे बढ़ना, इसे तरक्की कहते हैं, और ये तेरा कमाई का जरिया भी है। तू गाय बेच देगा तो क्या करेगा। राम सिंह को उसकी बात का बुरा लगा। कैसा दोस्त है, मेरी तरक्की की सोच से भी जलता है, आगे मेरी तरक्की होगी तो इसे सहन नहीं होगा, इससे अच्छा है अभी से दोस्ती खत्म। वो वहाँ से उठकर चला गया। वीर सिंह समझ गया कि राम सिंह नाराज होके जा रहा है, लेकिन उसको राम सिंह का स्वभाव अच्छे तरीके से मालूम था कि ये आज जाएगा लेकिन वापस फिर आएगा, क्योंकि ये स्वभाव से भोला है, एक ही तरीके से सोचता है, अनुभव नहीं है, जब ठोकर खाएगा वापस जरूर आएगा। बाजार का दिन आया। राम सिंह सवेरे जल्दी उठ गया, गाय को पानी पिलाया, घास खिलाई। आज वो बहुत खुश था, उसका तकदीर जो बदलने वाला था। उसने गाय को साथ में लिया और घर से निकल गया। बाजार का गांव थोड़ा दूर था, उससे पहले छोटा जंगल लगता था। जंगल छोटा था लेकिन घना था। वह सहम सहम कर जंगल से गुजरने लगा। पंछियों की खिलबिलाहट, बंदरों की उछल कूद, जंगल का माहौल बनाए हुए थे। उसके मन में ख्याल आया, अगर जंगल है तो शेर भी होगा। वो डर गया है, उसे लगा कि शेर गाय को खा जाएगा तो मैं बेचूंगा क्या, यहाँ आकर कहीं गलती तो नहीं कर दी, लेकिन अभी वापस भी नहीं जा सकते, सब लोगों को बोल के जो रखा है कि मैं क्या करने वाला हूँ। वो डरते सहमते जंगल से निकल गया और राहत की सांस ली। उसके सौभाग्य से किसी जंगली जानवर से उसका पाला नहीं पड़ा था। बाजार बहुत बड़ा था, बहुत सारे जानवर वहाँ थे, बहुत लोगों की भीड़ थी, जानवरों का जैसे मेला लगा था। जानवर भी थे, पंछी भी थे। राम सिंह की गाय अच्छी थी, सबकी नज़रें उस पर टिकी हुई थी। जो आता जाता वह उसके बारे में पूछता, लेकिन राम सिंह का काम दूध बेचना था, गाय वो पहली बार बेच रहा था, तो अब क्या करे, इसका सही दाम कितना होगा। वो उल्टा सोचने लगा कि सही दाम तो कोई बताएगा नहीं, इससे अच्छा है मैं पहले ये फैसला कर लेता हूँ कि मुझे गाय बेचकर क्या क्या लेना है, उसके जितने पैसे होंगे उससे थोड़ी ज़्यादा मैं बेच दूँगा। लेकिन उसकी समझ में आया
कि उसे तो खरीदना भी नहीं आता। तभी एक आदमी आया और उसने पूछा, क्यों भाई गाय बेच रहे हो या अभी खरीदी? नहीं बेचनी है। कितने में दोगे? पता नहीं। वह आदमी मुस्कुराकर बोला, क्या भाई मजा कर रहे हो, बेचने आए हो और कीमत पता नहीं? राम सिंह ने मायूस होकर कहा, भाई सचमुच पता नहीं, मेरा काम दूध बेचने का है, गाय तो मैं पहली बार लाया हूँ। वो आदमी अच्छा था, सज्जन था। उसने राम सिंह को समझाया कि देखो मेरे पास गाय नहीं है लेकिन मुझे बेचना आता है। तुम्हारे पास गाय है लेकिन तुम्हें बेचना नहीं आता। हम एक काम करते हैं, दोनों मिलकर गाय बेचते हैं, तुम्हें जो ठीक लगे वो मुझे दे देना। राम सिंह को ठीक लगा, उसने खुशी से हाँ कर दी। थोड़ी देर में गाय बिक गई, अच्छे दाम आए। उसने खुश होकर कुछ पैसे उस आदमी को दिए, वो पैसे देकर निकलने लगा। तभी राम सिंह ने उसे टोक कर बोला, भाई साहब आप भले आदमी लगते हो, आपने मेरी इतनी सहायता की, थोड़ी और कर दीजिए। उसने पूछा, क्या करना है? राम सिंह ने बोला, मुझे कुछ जानवर खरीदने हैं लेकिन मैंने कभी खरीदे नहीं, अगर आप मदद कर देंगे तो अच्छा होगा। वह आदमी सचमुच भला था, उसने राम सिंह को गले लगाया, उसे पूछा, भाई घबराओ मत, बताओ तुम्हें क्या खरीदना है? राम सिंह ने पहले सोच के रखा था, फिर एक बार सोचकर बोला, एक कम कीमत की गाय जो थोड़ा बहुत दूध देती हो, एक दो मुर्गियाँ जो अंडे देगी और एक एक भेड़ बकरी। भाई राम सिंह देखो, तुम कुछ एक ही ऐसी चीज़ खरीदो कि तुम आराम से कमा के खा सको, ये चार पांच चीज़ें लेकर कैसे होगा, एक का भी ध्यान नहीं रख पाओगे। राम सिंह नाराज होकर बोला, वो तो मेरे पास वैसे भी अच्छी गाय थी तो फिर मेरा क्या फ़ायदा होगा। वह आदमी समझ गया कि ये नहीं मानेगा। ठीक है चलो, तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो बताना, पैसे की बात मैं करूँगा। राम सिंह ने खुशी से हाँ कर दी। शाम होते होते उसकी खरीदारी पूरी हो गई, गाय भेड़ बकरी दो मुर्गियाँ, इसमें बहुत सारे पैसे चले गए और थोड़ा बाकी ज़रूरी सामान। थोड़े पैसे बचे, दोनों हाथों में जैसे तैसे सभी को संभाल कर राम सिंह खुशी से निकला। गांव के बाहर आया, रास्ता सुनसान था, जंगल में पहुँचते पहुँचते शाम गहरी होती गई। राम सिंह मुर्गियों की टांगें पकड़ के चल रहा था, मुर्गियाँ कितनी देर रुकने वाली थी, वह फड़फड़ाने लगी, घबराहट में राम सिंह के हाथ से छूट गई और इधर उधर भागने लगी। अभी इन्हें कैसे पकड़े? इन्हें पकड़ने जाएंगे तो गाय भेड़ बकरी को छोड़ना पड़ेगा। उसे लगा गाय शांत है, कहाँ जाएंगी, इसे पकड़ सकते हैं। उसने भेड़ बकरी को एक साथ बांधा और मुर्गियों के पीछे भागा, लेकिन वो मुर्गियाँ थी, हाथ में आने वाली नहीं थी। बहुत देर उनके पीछे भागता रहा लेकिन वह जंगल में गुम हो गई। वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कुछ पल में उसे गुर्राने की आवाज़ आने लगी और थोड़ी देर में शेर की दहाड़ सुनाई दी। भेड़ बकरी शेर की दहाड़ सुन के भागने लगी लेकिन दोनों साथ में होने की वजह से भाग नहीं पाई। गाय भाग गई, राम सिंह उसके पीछे भागा लेकिन वह भेड़ बकरी को नहीं बचा पाया, शेर को आसानी से शिकार मिल गया। राम सिंह बहुत देर गाय के पीछे भागा, जैसे तैसे उसने गाय को पकड़ा, वो थक गया था, वही रास्ते पे बैठ गया। रात को मायूस होकर घर आया, गाय को पानी पिलाया, घास खिलाई, खुद भूखे पेट सो गया। सुबह उठा, अब क्या करे, दूध निकालने की आदत थी इसलिए गाय का दूध निकाला, लेकिन देखकर हैरान हो गया, रोज जितना दूध निकलता था उसका आधा भी नहीं था। दूध लेकर बाजार गया, पहचान के लोग मजाक उड़ाने लगे, उनकी बातें सुनकर वह नाराज़ हो गया। मायूस होकर अपने दोस्त वीर सिंह के पास आया। वीर सिंह बाहर ही बैठा था, उसने प्यार से पूछा, भाई क्या हुआ? राम सिंह ने सब विस्तार से बताया। वीर सिंह ने गहरी सांस ली और बोला, दोस्त बुरा मत मानना लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, जो तुम्हारे पास है उसे संभालो। राम सिंह ने पूछा, लेकिन अब क्या करें? क्या कुछ पैसे
राम सिंह ने पैसे दिखाए। अभी एक काम कर सकते हैं, इसमें और थोड़े पैसे डालकर और वो गाय बेचकर पहले जैसी अच्छी दूध देने वाली गाय खरीदनी होगी। राम सिंह नाराज होकर बोला, ठीक है, शायद यही मेरी तकदीर है। वीर सिंह बोला, नहीं दोस्त, तुम्हारी तकदीर अच्छी है कि वहाँ शेर मिल गया। क्या? राम सिंह ने चौंक कर बोला, हाँ दोस्त, तुम्हारी तकदीर अच्छी है कि वहाँ शेर मिल गया। अगर चोर लुटेरे मिल जाते तो ना गाय बचती, ना पैसे बचते, ना तुम। दोस्तों, हमारी तकदीर को हमेशा कोसते रहते हैं, लेकिन हम अपने अच्छे पहलुओं पे नज़र डालेंगे, जो है उसकी वैल्यू करना सीखेंगे, तो जो नहीं है उसके पीछे कभी भागेंगे नहीं, और यही सही भी है। सो टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, इट्स प्रेशियस फॉर अस। Thank you.